Hi everyone, welcome to lecture number 9 of expansion formula. In this lecture we are going to study new type of expansion. We are also going to solve a practice set related to it. So do watch this video till end. Channel pe naya hai to subscribe kijiye aur agar koi doubt hai to comments mein bataiye ya mere Instagram handle par. So let's begin lecture number 9. In this lecture, we are going to study new type of expansion, that is type 4, expansion of a plus b plus c bracket square. हमें a plus b plus c bracket square इसका expansion study करना है. तो चलिए इसका हम एक्सपेंशन फाइंड आउट करते हैं. इसका एक्सपेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो अप्रोच यूज़ करते थे, हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच, वही हम अप्रोच यहाँ पर भी फॉलो करेंगे. तो अभी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी. देखिए यहाँ पर तीन टर्म्स है, एक दो और तीन, और उसका ब्रैकेट लेकर स्क्वायर कर दिया गया. तो हम इसे कैसा लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ पर हमने लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज़ किया, ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू एन. ए रेस टू एम प्लस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम मल्टीप्लाइड बाय ए रेस टू एन. ये लॉज ऑफ इंडाइसेस हमने यहाँ पर यूज़ किया. कैसे, देखिए यहाँ पर पावर क्या है, वन. यहाँ पर पावर क्या है, वन. तो अभी बेस सेम है तो पावर का एडिशन होगा. अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो वन प्लस वन क्या आया, टू. और ये बेस वैसा का वैसा. तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी. फिर हम इस b को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b इनसाइड द ब्रैकेट, a प्लस बी प्लस सी, प्लस सी सी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस सी. तो इस तरह से हमने हर एक टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लिया. फिर हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी, ये क्या हो जाएगा, ए बी, प्लस ए इंटू सी क्या बन जाएगा, ए सी, प्लस बी इंटू ए, ये क्या बन जाएगा, ए बी, प्लस बी इंटू बी क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, प्लस ये बी इंटू सी क्या बन जाएगा, बी सी, प्लस ए इंटू सी क्या बन जाएगा, ए सी, प्लस बी इंटू सी क्या बन जाएगा, बी सी, प्लस सी इंटू सी क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर. तो आशा करता हूँ आपको ये ब्रैकेट्स ओपन वाली स्टेप समझ में आई होगी. तो बढ़ते हैं आगे. अभी क्या करना है, आपको स्क्वायर वाले टर्म्स साइड में लेने हैं. देखिए अभी स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर. तो इसे इस तरह से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह से हम लिखेंगे. अभी एक जैसे दिखने वाली टर्म्स को हम ऐड करेंगे. देखिए ये क्या है, प्लस ए बी, और ये क्या है, प्लस ए बी, और यहाँ पर बस ये दोनों ही प्लस ए बी है. तो हम ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी क्या बन जाएगा, टू ए बी. अभी सेम हम बी सी के साथ भी करेंगे, बी सी बी सी को साथ में लेंगे. यहाँ पर प्लस बी सी है और ये प्लस बी सी है, तो दोनों बी सी बी सी मिलकर क्या बन जाएगा, टू बी सी, टू बी सी प्लस ए सी, प्लस ए सी, दोनों क्या हो जाएंगे,
टू ए सी। तो अभी देखिए यहाँ पर आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ इसका एक्सपेंशन। तो ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन। इसे हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे, तो हम इसे कैसा याद रखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म स्क्वायर प्लस टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म प्लस टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म प्लस टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से आप इसका एक्सपेंशन याद रखेंगे। तो इसी टाइप पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 5.4 का सॉल्व करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, नाउ विल बिगिन सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.4। नाउ लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। 2p प्लस क्यू प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर, इसे हमें एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर आपको पहले इस एक्सप्रेशन को चेक करना है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टर्म दी गई है, सेकेंड टर्म दी गई है और थर्ड टर्म दी गई है, और उनको प्लस साइन से सेपरेट किया है, और इसका ब्रैकेट क्या है, और ऊपर इस तरह से स्क्वायर दिया है। तो आपको दिमाग में क्लिक हो जाने चाहिए कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन फार्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। सॉल्यूशन में हम इस टर्म को लिख लेंगे, फिर बाद में कंपेयर विद a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, हम a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर से इसे कंपेयर करेंगे, फिर क्या मिलेगा हमें, वी गेट क्या मिलेगा हमें, ए इज इक्वल टू 2p, बी इज इक्वल टू क्यू, सी इज इक्वल टू 5। तो हमें ए बी और सी की वैल्यू मिल गई है यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ये फार्मूला बहुत ईजी है, आप ध्यान में रख सकते हैं। आप इसको समझ लीजिए, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस टू इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, और ये प्लस टू इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। तो इस ए बी सी की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करनी है, तो हमें क्या मिलेगा, 2p प्लस क्यू प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2p ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5। इस तरह से ब्रैकेट में 5 और उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, 2p इंटू बी क्या है, क्यू प्लस 2 इंटू बी सी, बी सी क्या है, बी की वैल्यू क्या है, क्यू, और सी की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 2 इंटू सी ए, सी की वैल्यू क्या है, 5 और ए की वैल्यू क्या है, 2p। तो इस तरह से हमने गिवन ये जो फॉर्मूला है उसमें
ये वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया। तो अभी हम आगे क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 2p ब्रैकेट्स कर, इसका क्या आएगा, 4p ब्रैकेट्स, 4p स्क्वायर, इसका क्या आएगा सिंप्लीफाइड फॉर्म, 4p स्क्वायर। अभी q ब्रैकेट्स कर, इसका क्या आएगा, प्लस q स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25, प्लस यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 2p मल्टीप्लाइड बाय q, इसका क्या आएगा प्रोडक्ट, 2 × 2 = 4, और ये पी क्यू का क्या आएगा, p × q का क्या आएगा, pq, तो 4pq आएगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। अभी देखिए इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 5 × 2 मल्टीप्लाइड बाय q क्या आएगा, 5 × 2 = 10 q, प्लस 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, और ये मल्टीप्लाइड बाय पी, तो ये 20p। तो अभी हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। तो हम इसे लास्ट स्टेप में इस तरह से लिखेंगे, 2p प्लस q प्लस 5 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p, ये इसका फाइनल आंसर। तो इसे हम इस तरह से ब्रैकेट करेंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और इधर आगे लिख दीजिए आप फाइनल आंसर। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। एक्सपांड m + n + 3r ब्रैकेट स्क्वायर। तो हमें m + n + 3r ब्रैकेट स्क्वायर को एक्सपांड करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व करोगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर 3 टर्म्स दी गई है और उन दोनों को प्लस साइन से सेपरेट किया गया है। तो आप इसे a + b + c ब्रैकेट स्क्वायर, इससे आप कंपेयर करोगे। तो सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, कंपेयर विद कंपेयर a + b + c ब्रैकेट स्क्वायर वी गे। तो कंपेयर करेंगे हम a + b + c ब्रैकेट स्क्वायर, वी गेट a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर m, b इज इक्वल टू क्या है, n, और c इज इक्वल टू क्या है, 3r। यूजिंग फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे, यूजिंग फॉर्मूला क्या है, a + b + c ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ये a + b + c ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन। अभी हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, m + n + 3r ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a² क्या आएगा, m² + b क्या है, n² + c क्या है, 3r² प्लस 2 × a क्या है, m, b क्या है, n, प्लस 2 × b क्या है, n, × c क्या है, 3r, प्लस 2 × c क्या है, 3r, a क्या है, m। तो इस तरह से हमने a² b² c²
और ए बी की वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, तो फिर हमें आगे क्या मिलेगा, एम ब्रैकेट स्क्वायर का इसे हम क्या कैसे लिखेंगे, एम होल स्क्वायर, इसे हम कैसे लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस एन होल स्क्वायर, इसे कैसे लिखेंगे हम, एन स्क्वायर प्लस थ्री आर ब्रैकेट स्क्वायर, इसे हम कैसे लिखेंगे, थ्री स्क्वायर क्या है, नाइन, और ये आर का स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर। प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय एन, इसे हम कैसे लिखेंगे, टू एम प्लस, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, थ्री आर मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय टू, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू क्या आएगा, सिक्स, और ये एन मल्टीप्लाइड बाय आर क्या आएगा, एन आर प्लस, यहाँ पर भी वही केस, थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू क्या आएगा, सिक्स, और ये एम इंटू आर क्या आएगा, एम आर। तो इस तरह से हमने इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर लिया है, तो यहाँ पर देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि हम आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो हम इस तरह से लिखेंगे, एम प्लस एन प्लस थ्री आर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस नाइन आर स्क्वायर प्लस टू एम एन प्लस सिक्स एन आर प्लस सिक्स एम आर। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो इसे ऐसा बॉक्स बना दीजिए, और इस तरह से आगे लिख दीजिए फाइनल आंसर। तो ये हुआ एक्सपेंशन ऑफ एम प्लस एन प्लस आर ब्रैकेट स्क्वायर। अप्रोच हमारा इसे सॉल्व करने का सेम है, कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, और इस तरह से ए और बी, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, फिर उसे फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करनी है, फिर उसे सिंप्लीफाई करके हमें फाइनल आंसर ऑब्टेन करना है। तो गाइज नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री, एक्सपांड थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव पी ब्रैकेट स्क्वायर, अभी हमें इसे एक्सपांड करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, लेकिन हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, प्लस साइन के लिए। तो यहाँ पर आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखिए इस ये फार्मूला यूज करने के लिए आप इस ब्रैकेट को किस तरह से कन्वर्ट करोगे, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इसे मैं इस तरह से लिखूँगा, थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस इनसाइड द ब्रैकेट माइनस फाइव पी होल स्क्वायर। तो आशा करता हूँ आपको मैंने ये जो एडजस्टमेंट की आपको समझ में आई होगी, क्योंकि हमें ये फार्मूला यूज करना है, तो फार्मूला एप्लीकेबल हो इसलिए हमने ये कन्वर्जन किया है। कैसे किया है देखिए, यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट की है, यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, माइनस। तो मैंने क्या किया, प्लस साइन को इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिखा, फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या किया, माइनस फाइव पी को लिखा और उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया इस तरह से। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा, माइनस, इस तरह से माइनस आएगा। तो अगर आप इस प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस इंटू माइनस क्या मिलेगा, माइनस। तो ये बन जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव पी। तो बस ये एडजस्टमेंट आप समझ जाइए, यहाँ पर इस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है ताकि हमें
ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सके। ये वाली एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, जब आप सॉल्यूशन लिखोगे सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, इस तरह से इस टर्म को लिख लेना है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू करना है, और इस तरह से ये एडजस्टमेंट वाला ब्रैकेट वहाँ पर लिखना है। फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ, आप किससे कंपेयर करोगे, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर वी गेट। तो जब आप इस ब्रैकेट से कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू, ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो ए इज इक्वल टू 3x, बी इज इक्वल टू 4y एंड सी इज इक्वल टू -5p। ये -5p यहाँ पर इस तरह से सी की वैल्यू को लिखना है। नाउ यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हमें यूज करना है। अभी इन वैल्यूज को इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 4y माइनस 5p ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -5p ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 into ab, ए की वैल्यू क्या है 3x, बी की वैल्यू क्या है बी की वैल्यू क्या है 4y प्लस, अभी हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस टर्म की वैल्यू 2 into b की वैल्यू क्या है 4y, सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर इस तरह से लिखो सी की वैल्यू -5p प्लस, अभी इस टर्म की वैल्यू हमें लिखनी 2 into c की वैल्यू क्या है -5p इंटू ए की वैल्यू क्या है 3x इंटू 3x। तो इस तरह से हमने इस फार्मूला में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें आगे क्या मिलेगा, देखिए अभी 3x होल स्क्वायर इसका क्या है एक्सपांडेड फॉर्म क्या है 9x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4y ब्रैकेट स्क्वायर, 4y ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या आएगा 16y स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए ये -5p होल स्क्वायर है तो अभी ये माइनस इंटू माइनस क्या बन जाता है प्लस, तो निगेटिव का स्क्वायर क्या आता है पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखिए -5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 25 और ये पी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए अभी हमें इसका इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या मिलेगा हमें 2 into 3 into 4, 3 2 6 और 6 4 24, तो ये क्या बन जाएगा 24 और ये x इंटू वाई क्या बन जाएगा एक्स वाई। आशा करता हूँ इसका मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है निगेटिव टर्म है, तो जब निगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई होती है तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलता है निगेटिव, तो बस वही प्रिंसिपल यहाँ पर भी यूज़ करना है। अभी ये निगेटिव नंबर है तो इसे ये टर्म निगेटिव आएगा, निगेटिव आने वाली, फिर
इसका मल्टीप्लिकेशन ले लो, 5 2 10, 10 4 40, तो ये आएगा 40, और ये 40 PY। आशा करता हूँ आपको इसका मल्टीप्लिकेशन समझ में आया होगा। फिर हम इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या है, नेगेटिव टर्म है, तो जब नेगेटिव टर्म पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगा, रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव। अभी यहाँ पर देखिए इन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, 10 3 30, तो ये बन जाएगा 30, और ये p मल्टीप्लाइड बाई x, ये क्या बन जाएगा, px। आशा करो तो आपको ये समझ में आएगा, आपको बस मल्टीप्लाई करना है इन टर्म्स को। तो यहाँ पर देखिए हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। देयरफॉर, अभी देयरफॉर के बाद इस तरह से आप लास्ट में लिखोगे, 3x प्लस 4y माइनस 5p ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 24xy माइनस 40 py माइनस 30 px। तो ये हुआ इस टर्म का एक्सपांडेड फॉर्म, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अभी इस तरह से लिखने के बाद इसे ब्रैकेट बना दीजिए, ये बॉक्स बना दीजिए इस तरह से, और आगे लिखिए फाइनल आंसर। तो ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ विल सॉल्व लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 5.4। एक्सपांड 7m माइनस 3n माइनस 4n होल स्क्वायर। हमें 7m माइनस 3n माइनस 4k होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करना है। अभी हमें, हमारे पास सिर्फ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो कैसा लिखोगे आप, इज इक्वल टू, पहले सॉल्यूशन लिखोगे आप, सॉल्यूशन इस तरह से। सॉल्यूशन में आप इस टर्म को लिखोगे, गिवन लिखोगे और फिर इस टर्म को लिखोगे, फिर आप क्या करोगे, इस टर्म के आगे इस तरह से इज इक्वल टू लगाओगे, मतलब इस तरह से नीचे लिखना है नोटबुक में, इस तरह से उसके नीचे लिखना है इज इक्वल टू, इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करो। यहाँ पर 7m माइनस, अभी यहाँ पर माइनस 3n है तो इसे यहाँ पर प्लस साइन कर दीजिए, और ये माइनस 3n को ब्रैकेट में लिखिए, प्लस माइनस 4k ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरह से हमने गिवन क्वेश्चन को a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इस फॉर्म में लिख लिया, ये हुआ a, ये हुआ b और ये हुआ c। यहाँ पर देखिए प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हमें ये टर्म भी मिलने वाली है। तो अभी इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर विथ, कंपेयर विथ ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, वी गेट, व्हाट विल गेट, हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू, ये क्या है, ए, ए इज इक्वल टू 7m, b इज इक्वल टू माइनस 3n,
और सी इज इक्वल टू माइनस फोर के। तो कंपैरिजन के बाद हमें ये मिलेगा ए बी सी के वैल्यू। नाउ वी विल यूज फॉर्मूला। यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अभी इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7m माइनस 3n माइनस 4k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 7 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें माइनस 3n ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4k ब्रैकेट स्क्वायर प्लस। अभी इस टर्म में a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2 a की वैल्यू क्या है 7m और b की वैल्यू क्या है माइनस 3n प्लस 2bc। अभी 2bc में हम b और c की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है माइनस 3n मल्टीप्लाइड बाय c की वैल्यू क्या है माइनस 4k प्लस 2ca। 2c क्या है माइनस 4k और a की वैल्यू क्या है 7m। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को पुट किए। आप यहाँ पर ये ध्यान से देखिए ये माइनस साइन कैसे हमने केयरफुली पुट किए। तो अभी 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 और ये m का m होल स्क्वायर का क्या आएगा m स्क्वायर प्लस माइनस 3n ब्रैकेट स्क्वायर इसका क्या आएगा स्क्वायर 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक निगेटिव नंबर है और बाकी के पॉजिटिव नंबर है तो हम जब हम निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा निगेटिव नंबर। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है उसे हम इस तरह से निगेटिव में लिखेंगे माइनस ये क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 7 टू ज़ा 14 14 थ्री ज़ा 42 तो ये 42 और ये m मल्टीप्लाइड बाय n ये क्या आ जाएगा mn m इंटू n। तो ये हुआ इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अभी हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर दो नेगेटिव नंबर है तो जब दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है तो रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर साइन क्या आएगी प्लस साइन आएगी और फिर इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 3 टू ज़ा 6 6 फोर ज़ा 24 और k मल्टीप्लाइड बाय n क्या आएगा kn। तो ये हुआ इस ब्रैकेट का सॉरी इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन ये आया। अभी हमें इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो अभी यहाँ पर देखिए एक ही नंबर नेगेटिव है और बाकी दो नंबर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई करता है तो रिजल्टन क्या आएगा माइनस तो इसका भी रिजल्टन क्या आएगा माइनस ये माइनस। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 टू ज़ा 8 8 7 ज़ा 56 और ये k इंटू m क्या आएगा km। तो ये हुआ इस टर्म का एक्सपांशन। अभी यहाँ पर देखिए हम इसे आगे एक्सपांड नहीं कर सकते तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। तो 7m माइनस 3n माइनस 4k ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 49m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 42mn
प्लस 24 kN माइनस 56 kM, ये हुआ इसका फाइनल आंसर। आप इस तरह से लिखोगे और इसे इस तरह से बॉक्स बनाओगे। और आगे लिखोगे फाइनल आंसर। तो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करके हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.4। अगर ये सॉल्यूशन आपकी समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताइए या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। तो नेक्स्ट वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन हम कंटिन्यू करें, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।